मैं सपना देख रहा हूँ, चाहे कितनी बार भी देख लूँ, सौ ही है। सर, 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 देखिए सौ मार्क्स। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा नोबिता, कई बार चेक किया, मार्क्स सौ ही है। बहुत बढ़िया नोबिता, बहुत बढ़िया। मुझे लगता था मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। शायद अब मेरी असली खूबियां सामने आ रही है। मेहनत करो तो सफलता मिलती है। हाँ, लेकिन मेरा फेवरेट तो कुछ और ही है। जियान सुनियो, मुझे टूना बहुत पसंद है और फ्राइड चिकन भी। चिल्लाकर बताने का फायदा नहीं है, आराम से ही बताना चाहिए। सही कहा मैंने, खाना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें पता है अगर स्पाइसी कॉर्डरो के साथ वेजिटेबल्स खाई जाएं तो वो अच्छा नहीं लगता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान, पता नहीं क्यों उसके बाद राइस खाना भी ठीक नहीं है। देखो किसी ने अपना टेस्ट पेपर यहाँ पर गिरा दिया, पता नहीं किसका है ये। सौ मार्क्स, अगर पूरे 100 मार्क्स हैं तो ये नोबिता का तो नहीं हो सकता। सही कहा। अरे किसका है ये तो नोबिता का है। तो फिर मार्क्स में गड़बड़ होगी पक्की बात। किसी ने गलती से तुम्हारा नाम लिखा होगा, ये तुम्हारा नहीं हो सकता। शिशुका सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं तो तुम मेरा यकीन करोगी ना? क्या सच में? देखो विश्वास करना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आए तो अगली बार जरूर मेहनत करना, आ जाएंगे। ठीक है देखो आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए आज मुझे तुम्हारा टेस्ट पेपर नहीं देखना है। हे डोरेमोन, हटो हटो, मैं जल्दी मिलूंगा। मेरे 100 मार्क्स, मेरे 100 मार्क्स आए हैं डोरेमोन। क्या जरूर तुमने चीटिंग की होगी। ये गलत बात है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये हो क्या रहा है। मुझे माफ करना, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। पता है नोबिता मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें गलती से 100 मार्क्स मिल गए होंगे, तुम तो पढ़ाई में कमजोर हो। सही कहा, मुझे गलती से ही 100 मार्क्स मिले हैं। मुझे सिर्फ सोना चाहिए और 0 लाना चाहिए। शायद उसे मेरी बात का दुख हुआ है, मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा काम है लोगों को यकीन दिलाना, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ। जो भी आप चाहते हैं मैं सबको उस बात का यकीन दिला सकता हूँ। हाँ हाँ पीआर, मैं तो जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको यकीन दिलाओ कि नोबिता के 100 मार्क्स आ सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस करो। उन्हें कितना इम्प्रेस करना है? मेरे 4 लेवल्स हैं, टॉप, मिडिल, रेगुलर और सुपर। सुपर ठीक रहेगा, चलो पहले मॉम पर ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। लोग आसानी से वो बात मान लेते हैं जिन्हें वो टीवी अखबारों में देखते हैं। मैं सुपर सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा और ये बात टीवी के अनाउंसर से बुलवाऊंगा। ठीक से काम करना। और अब आप सुनेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, नोबिता को अपनी क्लास में सबसे ज्यादा 100 मार्क्स मिले हैं। 100 मार्क्स नोबिता को मिले हैं? पूरे शहर में खुशी का माहौल है। ये क्या सच है? हाँ बिल्कुल सच। अरे ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है, नोबिता को 100 मार्क्स मिले हैं। बहुत बढ़िया, मॉम को यकीन हो गया। अब मैं सबको बताता हूँ। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए होंगे। बताओ ना, क्या तुमने ये खबर सुनी? नोबिता को 100 मार्क्स मिले हैं? यकीन नहीं होता नोबिता को 100 मार्क्स मिले हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे तो 100 मार्क्स कई बार मिल चुके हैं। तुम्हारी बात अलग है, अभी बात नोबिता की हो रही है। सही कहा, नोबिता को मिले हैं, ये वाकई कमाल की बात है। हाँ वो तो है। ये सब स्कूल के बच्चे हैं और इनकी बात का इतना असर नहीं पड़ेगा, अगर कोई अहम इंसान ये बात कहे तो ज्यादा असर पड़ेगा। सर हम जानना चाहते हैं कि नोबिता के बारे में आपको क्या कहना है। नोबिता को अपने क्लास टेस्ट में 100 मार्क्स मिले हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और देश के लिए भी। ओ, मेरा बेटा नोबिता। अरे सुनो, क्या तुमने आज टीवी देखा है? हाँ मैं देख रही हूँ। 100 मार्क्स मिले।
वाकई उसकी मेहनत रंग लाई, नोबिता ने तो कमाल कर दिया। नोबिता वाकई बहुत ही बढ़िया। जो चीज एक बार शुरू हो जाए वो खुद बढ़ती जाती है, वो भी बिना कुछ किए। लेकिन मैं ये बात पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, सुपर प्रीमियम। नोबिता के बारे में आपको क्या कहना है? तो अब हमारे साथ नोबिता के कुछ दोस्त हैं जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, वो हमें उसके बारे में कुछ बताएंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। नोबिता मेरा दोस्त है और मैं जानता था कि एक दिन वो बहुत फेमस हो जाएगा। अरे वाह, नोबिता ने बहुत मेहनत की इसलिए 100 मार्क्स मिले। मैं नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। यह मेरी बात सुनो, मैं और भी बता सकता हूँ। तैयार हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। देखिए, हम नोबिता के ऊपर एक स्पेशल टीवी प्रोग्राम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हों। आप दोनों आएंगे ना? बोलिए ना। जी हाँ बिल्कुल। हम आपको बताना चाहते हैं कि नोबिता की ऐतिहासिक उपलब्धि के ऊपर आज शाम को एक स्पेशल टीवी प्रोग्राम आने वाला है। आप लोग उस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा। मॉम, क्या खाने के लिए कुछ है? और अब हम आपको ले चलेंगे आज की खबर की तरफ। अरे हमारे वो यहाँ पर नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, टीवी अभी तक ऑन है, बिजली वेस्ट होती है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल कॉन्फ्रेंस में। ये एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लगता है कोई दुर्घटना हुई है। देखिए, आप सबको पता है कि नोबिता को 100 मार्क्स मिले हैं और इसी खुशी में हम आज के दिन को नोबिता डे घोषित कर रहे हैं, जो कि नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाया जाएगा। क्या नोबिता डे? देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल है। मुझे इस बात की खुशी है कि नोबिता जैसे बच्चे भी हमारे देश में हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है पीआर ने ये खबर कुछ ज्यादा ही फैला दी। ये पीआर क्या है? मुबारक हो नोबिता। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है डोरेमोन? मैं सबको यकीन दिलाना चाहता था कि तुम्हें 100 मार्क्स मिले हैं। बंद करवाओ इसे अभी इसी बात। ए नोबिता, ये तुमने क्या कर दिया? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें ये सब रोकना होगा। तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि लोगों को लगे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं सब कुछ पहले जैसा ही कर देता हूँ। अरे ये हम कहाँ पर आ गए हैं? ये नोबिता स्पेशल क्या है? मुझे नहीं पता। अरे पता नहीं, अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो नहीं पता था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं नोबिता के घर पर क्यों आ गया हूँ? पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ। सब कुछ बहुत अजीब था। मुझे माफ करना नोबिता, मैं नहीं जानता था कि पीआर को इस्तेमाल करने से ये होगा। सौ मार्क्स लाने का कोई फायदा नहीं है। नोबिता खाना खा लो। नोबिता, अरे ये तो सो गया। अरे ये जरूर इसका टेस्ट पेपर होगा जो इसने मुझसे छुपाया है। सौ मार्क्स!
ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अरे क्या हुआ माँ? नोबिता ये क्या है? मैं सपना तो नहीं देख रही। तुम्हें इसमें 100 मार्क्स मिले हैं नोबिता? हाँ, मेरे 100 मार्क्स आए हैं। ये तो सपने जैसा ही है। मैं बहुत खुश हूँ नोबिता। तुमने बहुत खुश किया है। तुमने कितनी मेहनत की। क्या बात है? मैं तुम्हारे इस टेस्ट पेपर को फ्रेम करवाऊंगी। इतना सब करने की क्या जरूरत है? और मैं ये बात सबको बताने वाली हूँ। मैं ये बात तुम्हारे पापा को बता कर आती हूँ। जरा सुनिए। बस कीजिए मॉम। अरे वाह नोबिता, कमाल कर दिया सच में। वाह वाह।